पटना के मनेर स्थित चौरासी घाट पर गुरुवार की सुबह दो नाव आपस में टकरा गई। इस हादसे में नाव पर सवार कुल 21 लोगों में 20 लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई, जबकि एक युवक गंगा नदी में लापता हो गया। घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने इसकी सूचना मनेर थाने को दी। सूचना पाकर मनेर थाने की पुलिस ने इस बात की जानकारी SDRF टीम को दी। SDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर गंगा नदी में रेस्क्यू शुरू कर दिया। दरअसल चौरासी घाट से एक नाव बालू लोड कर हल्दी छपरा जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ से बलवान टोला डोरीगंज से एक नाव मनेर आ रही थी। चौरासी घाट के नज़दीक दोनों नाव की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में नाव पर सवार कुल 21 लोगों में से 20 लोगों ने किसी तरह गंगा नदी से तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि एक युवक गंगा नदी में लापता हो गया। स्थानीय घटना के संबंध में SDRF के सब इंस्पेक्टर रमाधार बैठा ने बताया कि नाव पर दो दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे। इस घटना में मनेर थाना क्षेत्र के चौरासी ये घटना मनेर थाना क्षेत्र के चौरासी बालू घाट की है, जहां दो नाव आपस में टकरा गए। इसमें असंतुलित होकर एक नाव नदी में डूब गई, जिस पर दो दर्जन से ज्यादा लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी लोग तैरकर नदी से बाहर निकल गए, जबकि एक युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है। लापता युवक का नाम संजय कुमार 25 वर्षीय बताया जा रहा है। संजय टाटा कॉलोनी मनेर का निवासी है। घटना की पुष्टि करते हुए मनेर थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि घटना के बाद उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है। उन्होंने बताया कि लापता युवक की तलाश के लिए गंगा नदी में NDRF की टीम पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि SDRF की टीम के तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लापता व्यक्ति का नाम संजय कुमार है। घटना की सूचना मिलते ही बालू घाट पर अफरा तफरी का माहौल कायम है। लापता व्यक्ति को लेकर अभी भी तलाश अभियान जारी है। यहाँ पर चौरासी घाट पर सूचना मिला कि ये यहाँ पर नाव दुर्घटना हो गई है, जिसमें 10 से 15 व्यक्ति सवार थे, जिसमें से सब कोई तैर कर निकल गया, एक आदमी लापता है। उसको छानबीन SDR की तरफ से उसको छानबीन किया जा रहा है, छानबीन किया जा रहा है। एक लापता है, एक लापता है, उसकी तलाश की जा रही है। उसको तलाश किया जा रहा है। हमारा नाव खुल गया है, उसको ऑपरेशन शुरू है।